हाय गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम फैशनिस्ता और मैं हूँ आपकी दोस्त शकुन। दोस्तों, आज की वीडियो ना मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली लग रही है, क्योंकि ना मैंने की है बहुत 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 सारी शॉपिंग होम डेकोर हॉल में, और ये सब मैं अपने घर में सजाने वाली हूँ। और ये शॉपिंग जो है आपके लिए दिवाली पर भी काम आएगी, क्योंकि मैंने इसमें बहुत प्यारी प्यारी सी लाइट्स और दिए और बहुत सुंदर से मिरर, बहुत चीज़ें परचेज़ की हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो इस पर कमेंट करके जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए फिर जल्दी से हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने जो परचेज़ किया है ना, बैक टू बैक बहुत सारे सामान परचेज़ किए हैं, तो उसमें सबसे पहले छोटू सा प्रोडक्ट ये परचेज़ किया है। ये है देखिए दिया, लाइट जो मैंने परचेज़ किए हैं, और ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर मुझे मिले हैं। मैंने ये मीशो से लिए हैं। ये 12 का सेट आता है, आपको पैकेजिंग कुछ इस तरह की मिलेगी। 12 का सेट है, इसमें डिज़ाइंस अलग अलग आए हुए हैं, और ये डिज़ाइन ना बहुत ही प्यारे हैं। ये इनकी स्पेशलिटी क्या है मैं आपको दिखा रही हूँ। जो है ना, आपको ये जैसा यहाँ पिक्चर में दिख रहा है कि इनके नीचे इनकी शेडो आती है, जो बहुत ही सुंदर लगती है जब ये जलते हैं। और ये प्लास्टिक के दिए हैं, मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन और कलर्स में आए हैं। 12 का सेट है, बट मुझे जो है इसमें ये ब्लू कलर का जो है एक ये है, इसमें आपको सेंटर में लगाने के लिए स्प्रिंग जैसा मिलता है, जिसमें आप इसकी बत्ती लगा सकते हैं, और बत्ती लगाने के बाद में आप इसको तेल भरिए और इसको जला लीजिए। ये बहुत टाइम तक आपके चलते हैं, जलते नहीं हैं, दिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। ये मुझे एक मिला है ब्लू कलर का, मुझे मिला है एक ऑरेंज कलर का लोटस शेप में। बहुत ये रेड कलर का पीस है, बहुत ही प्यारा सा है, छोटू सा। ये हैं तीन पीस मजेंटा के हैं, बट इनका जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट है। यहाँ पर ये वाला जो है इसमें डायमंड शेप दी हुई है, यहाँ पर आपको हर शेप देखने को मिलेगा। ग्रीन कलर का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन, फ्लावर शेप आएगी इसकी। इसमें कलर मिला है येलो, और येलो इन्होंने 4 का सेट भेजा है मुझे, बिल्कुल सेम है चारों के चारों। तो ओवरऑल ये मुझे 12 का सेट मिला है, और 12 के 12 दिए बहुत ही प्यारे साथ ही आपको मिलती हैं। इस तरह से इसमें स्प्रिंग आती हैं, 12 स्प्रिंग आएंगी, ये लगेंगी। इसमें आपको इस तरह से सेमी कॉटन की बत्तियाँ भी मिलती हैं, जिनकी हेल्प से आप जला सकते हैं। तो आपको बाहर से सिर्फ ऑयल लाना है, और इनको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे हैं ये। 12 का सेट मुझे मिला है 117 रुपीज़ में, आप भी इनको परचेज कर सकते हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक बहुत ही सुंदर सा ब्रास का बना हुआ शुभ लाभ, जो मैंने परचेज किया है शॉपसी से। आपने साउंड सुना उसका, कितना स्वीट सा साउंड है इसकी जो बेल है उनका। इसमें आपको यहाँ पर शुभ और लाभ लिखा मिलेगा, हैवी वेटेड है, बहुत ही प्यारा पीस है। अगर आप अपने डोर के लिए, डेकोरेशन के लिए दिवाली पर सर्च कर रहे हैं कुछ ऐसा, तो आप 2 पीस वाला भी खरीद सकते हैं। इसमें डबल पीस वाला भी है, मतलब यहाँ पर शुभ और एक तरफ लाभ वाला मिलेगा आपको। और ये मैंने सिंगल वाला मंगाया, इसको आप डोर के बीचों बीच हैंग कर सकते हैं, अपने मंदिर के अराउंड इसको हैंग कर सकते हैं। और ये मैंने शॉपसी से परचेज़ किया है, जब चीपेस्ट आई थिंक प्राइस वहीं पर है, सब जगह इससे अबव है। ये मुझे 649 का वहाँ पर मिला था, और बाकी की साइट्स पर शायद इससे भी ज़्यादा महंगा था। आपको अच्छा लग रहा है तो आप जल्दी से इसको परचेज कर लीजिए, मुझे बहुत प्यारा लगा। ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, और इसकी बेल वगैरह देखिए कितना शाइन कर रही हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लगा मुझे इसमें। ओके, तो इसके अलावा जो एक और पीस है वो भी एक लाइट है, वो कुछ इस तरह से सनसेट लैम्प बोला हुआ है। देखिए ये इस तरह से है सनसेट लैम्प, और ये आपको सनसेट वाला लुक देता है। ये एक इस तरह से आया है, इसमें यहाँ पर आपको सेंटर में ये कांच का लगा हुआ मिलेगा। यही इसको खोल करके आपको इसके अंदर वहाँ पर बैक साइड में एक प्लास्टिक की एक छोटी सी शीट दी हुई है, कलर्ड अलग अलग 4 तरह की, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो आपको इसमें अटैच करना होता है, उसके बाद में आपको इसको लॉक कर देना होता है। इसके साथ में आपको मिलती हैं 4 इस तरह की छोटी छोटी सी शीट, जिनकी हेल्प से आप इसके शेड्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे एक ही दीवी है ग्लिटर वाली, शाइनी है ये। और इसके अलावा मुझे येलो, ऑरेंज और एक ट्रांसपेरेंट जैसी इस तरह की मिली हैं। ये है इसकी स्टिक, जिसकी हेल्प से आप इसको थोड़ा सा ऊँचा या छोटा कर सकते हैं, ये इस तरह से इतना बड़ा हो जाता है। एंड ट्राइपॉड जो इस तरह से आता है, इसमें आपको उस स्टिक को अटैच करना होता है। ये जो स्टिक दी हुई है ये इसमें अटैच की जाएगी, और इसके ऊपर से आपको वो लैंप लगा देना, और इन चारों की हेल्प से आप इसका लुक चेंज कर सकते हैं। आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसको आप यूज़ करने के लिए जैसे बहुत से घर होते हैं उनमें कॉर्नर डेकोरेट करके रखा होता है, और वहाँ पर एक ऊपर से हैंग कर देते हैं लाइट बहुत सुंदर सी, वो उस एरिया को लाइटन अप कर देता है, वो पूरा का पूरा आपका हाईलाइट होता है। तो कुछ घरों में वो फैसिलिटी नहीं कर सकते, आप वो कॉर्नर का लाइट नहीं लगा सकते, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी नवरात्रे आ रहे हैं, तो आप अपने मंदिर को सजाएंगे, तो आप मंदिर को हाईलाइट करना चाहते हैं उसके किसी एक एरिया को, तो वहाँ पर आप इस लाइट को यूज़ कर सकते हैं, और ये आपके उस एरिया को बहुत ही सुंदर तरीके से हाईलाइट कर देगा। तो ये बहुत ही प्यारा पीस मुझे लगा, और रीजनेबल प्राइस पे है। ओके, सर, नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक की होल्डर, जो मुझे इस तरह से मिला है, बहुत ही प्यारा। देखिए ये कुछ इस तरह से आता है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है ये देखने में ना। हाउस बना हुआ है इसमें पूरे में, और यहाँ पर एप्पल की शेप दी हुई है। आप इसमें यहाँ काफ़ी स्पेस है, यहाँ पर कुछ भी सामान रख सकते हैं, मोबाइल वगैरह होल्डर या फिर कुछ और सामान आप रखना चाहें। और साथ ही इसमें यहाँ पर आप अपनी कीज़ भी हैंग कर सकते हैं, या आई कार्ड, या जो भी कुछ आप चाहते हैं कि आपका ईजिली
हैंडी रहे वो आप यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। ये प्लास्टिक का बना हुआ है पूरा का पूरा, और इसमें ना आपको इस तरह से डोरी दी गई है, इसकी हेल्प से आप इसको हैंग कर दीजिए कील पर, या फिर आप इसमें पीछे की साइड यहाँ पर ये इस तरह से दिए हुए हैं, तो आप चौड़ी वाली कील या किसी और हुक की हेल्प से इसको हैंग करना चाहते हैं तो इस पर भी हैंग कर सकते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस, क्योंकि इसको ना हमें सिर्फ हैंग करके रखना है, इसमें सामान रखना है और सिर्फ यहाँ पे टांगना है, तो ये टूटने फूटने वाले का मतलब नहीं बनता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, सुंदर बहुत लग रहा है देखने में। देखिए जरा फिनिशिंग बहुत है इसमें, पूरे में वुडन लुक लिए हुए हैं, तो अच्छा पीस है एक, आप इसको जरूर परचेज कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो है ये एक छोटे से बॉक्स में आए हैं जो मैंने परचेज किए हैं अपनी किचन के लिए, और ये भी 6 का सेट आया है। ये हैं आइसक्रीम कप्स, लुक वाइज बहुत क्यूट से हैं, आप इनमें आइसक्रीम खा सकते हैं। ये 6 का सेट आया है और ये 150 रुपीज़ का मुझे मिला है। देखिए इस तरह से पैकेजिंग में आया है ये, और मेरे बच्चों को तो बहुत प्यारा लग रहा है ये। ये देखिए आइसक्रीम सेट किचन में रखा हुआ भी अच्छा लगेगा, बहुत ही सुंदर सा आइसक्रीम सेट मिला है ये। और ये प्लास्टिक मटेरियल में है, प्लास्टिक इसकी आपको दिख रही है थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, तो ये जल्दी से टूटेगा नहीं, बहुत कड़क वाली नहीं है। जो कड़क वाली प्लास्टिक होती है वो गिरते ही टूट जाती है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ है तो ये जल्दी से नहीं टूटेगा, अनब्रेकेबल है, और क्वालिटी वाइज बहुत प्यारे हैं। इवन लुक भी इनका बहुत सुंदर आ रहा है, देखिए थोड़ा सा लाइट पर्पल जैसा शेड है इसका ट्रांसपेरेंसी के साथ में, और बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे, बहुत छोटू नन्नू से बहुत सुंदर लग रहे हैं। पूरा 6 का सेट मुझे इसमें मिला है और सारे के सारे ही एकदम परफेक्ट तरीके से मुझे रिसीव हुए हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो इस बॉक्स में है, और ये एक रोटेटिंग ट्रे, तो ये आपको मिलती है कुछ इस तरह की। तो इसका जो मटेरियल है वो प्लास्टिक है, ये भी देखिए फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा हार्ड वाली प्लास्टिक नहीं है, और ये एक रोटेटिंग ट्रे है। इसे नीचे की साइड आपको इस तरह से व्हील लगे हुए मिलेंगे जिसकी हेल्प से ये रोटेट करेगी, तो आप इसके अंदर ना अपना सामान रखिए, डाइनिंग टेबल पे रखिए या फिर किचन में आपको अलमीरा में रखना है, इसमें स्पाइसेस भर के रख सकते हैं, तो ये बहुत यूज़फुल लगा। मेकअप प्रोडक्ट्स भी आप इसके अंदर रख सकते हैं, तो मैं इसको डाइनिंग टेबल पर यूज़ कर रही हूँ। इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स के डब्बे वगैरह रख सकते हैं, अचार के आप इसके अंदर रख सकते हैं, और ये बहुत ही स्मूथली मूव हो रही है। देखिए वेट रखने के बाद भी बहुत अच्छे से मूव कर रही है, ऐसा नहीं है कि अभी ये फ्री है तो ही मूव कर रही है। जब सामान रखा हुआ है इसके अंदर, बहुत भारी भारी डब्बे मैंने रखे हुए हैं ड्राई फ्रूट्स के भर करके, एक छोटा सा फ्लावर पॉट वगैरह, तो ये तभी भी इसी तरह से इतनी स्मूथली रोटेट कर रही है, तो बहुत ही अच्छी मुझे लगी। और ये भी मुझे 125 रुपीज़ में मुझे मिली है। इसका इनका सबके लिंक और कोड मैं शेयर कर दूँगी, क्योंकि इनमें से आधा सामान मीशो से और आधा सामान मैंने शॉपसी से परचेज़ किया हुआ है, तो ये सब बहुत ही सुंदर लगी है। मैंने शॉपसी से परचेज़ किया, इसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से। लास्ट प्रोडक्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है, क्योंकि वो हैं आपकी वॉल्स को डेकोरेट करने वाले बहुत ही सुंदर से मिरर, वो इस तरह की पैकेजिंग में आए हैं, पैकेजिंग बहुत कमाल की। देखिए ये हैं मिरर्स वॉल पर लगाने वाले, बहुत ही सुंदर से हैं, ये प्लास्टिक के नहीं हैं, ये आयरन में बने हुए हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा हैवी वेट है इनका, और क्वालिटी इनकी बहुत कमाल की है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इनको फटाफट से खोल के। 3 का सेट मैंने मंगाया है, ये मैंने परचेज़ किए हैं शॉपसी से, और ये तीनों के तीनों ही आपको 854 रुपीज़ में मिल रहे हैं। कितने कमाल के लग रहे हैं मिरर, तो मुझे ये बहुत पसंद आए, और फिनिशिंग इनकी बहुत अच्छी है, मिरर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और जो इनमें बैक साइड में आपको इसको हैंग करने के लिए यहाँ पर हुक दिया हुआ है, ब्रैकेट दिया हुआ है, इसकी हेल्प से आप इसको हैंग कर सकते हैं, और यहाँ पर इसको ओपन करने के लिए भी दिया हुआ है, अगर आप इसमें मिरर की जगह पर फोटो लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा मुझे लगा। 3 का सेट आपको मिलता है, और तीनों के तीनों ही A1 क्वालिटी का पीस है, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए 3 सेट मुझे मिले हैं, और 854 रुपीज़ में आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। आई बेट अगर आपको कहीं और मिल रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे सस्ता आपको कहीं नहीं। अगर आपको इनमें से कोई प्रोडक्ट परचेस करना है तो आप जल्दी से जाकर के शॉपिंग कर लीजिए, लिंक मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि जैसे जैसे फेस्टिवल्स पास आ रहे हैं वैसे वैसे इनके प्राइस हाई होते जा रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप इनको अब भी जाके परचेस कर लीजिए। और सब बहुत ही प्यारे प्रोडक्ट्स हैं, सब बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर मुझे मिले हैं, आप इनमें से क्या क्या लेना चाहते हैं आप वो परचेस कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, ज़्यादा अच्छी लग रही है तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी या पूरे हॉल कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।